वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। यूपी के पूर्वांचल की धरती जितना अपने जटिल जातीय और सियासी समीकरणों की वजह से पहचानी जाती है, उतनी ही मशहूर है अपने बाहुबली नेताओं के लिए भी। चाहे हरिशंकर तिवारी हों या मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद हों या राजा भैया, इलाके का कोई ना कोई बाहुबली हमेशा सुर्खियां बटोरता ही रहता है। इन दिनों सुर्खियों में है जौनपुर के मलहनी से जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले बाहुबली नेता धनंजय सिंह। सोलह फरवरी 2022 को जौनपुर कलेक्ट्रेट में एक ऐसा उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने पहुंचा जिस पर सारे देश की नजरें थीं। ऐसा नहीं है कि उस नेता की जीत हार से यूपी के सियासी समीकरण बदल जाने वाले थे, बल्कि लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि कुछ महीनों पहले तक जिस शख्स पर यूपी पुलिस ने इनाम घोषित किया था, जिसके लिए गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे, वो आज नामांकन दाखिल कर रहा है। हम बात कर रहे हैं पूर्व सांसद और मलहनी जौनपुर से जेडीयू प्रत्याशी और साथ ही साथ पूर्वांचल के बाहुबली नेताओं में शुमार धनंजय सिंह की। वही धनंजय सिंह जिनका नाम ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या में उछला था, जिन्हें पकड़ने के लिए यूपी पुलिस ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे और जिसके सरेआम जौनपुर में क्रिकेट खेलने की तस्वीरों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जमकर हंगामा किया था। धनंजय सिंह ने जौनपुर के टीडी कॉलेज में छात्र राजनीति में कदम रखा। इसके बाद धनंजय लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे, यहां भी आपराधिक गतिविधियों में इनका नाम सामने आता रहा। धनंजय सिंह पर हत्या, डकैती, लूट, रंगदारी, धमकी समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। मऊ जिले के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अजीत सिंह की हत्या में धनंजय सिंह का नाम भी सामने आया था। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया था, लेकिन जमानत पर रिहा होने के बाद से फरार हो गए थे। इसके पहले भी धनंजय कई बार जेल की हवा खा चुके हैं। सत्रह अक्टूबर 1998 की रात थी। पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली कि गैंगस्टर धनंजय सिंह अपने साथियों के साथ मिर्जापुर रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर डकैती डालने आने वाला है। इस सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई। इसके बाद पुलिस ने इस स्थान पर एनकाउंटर करते हुए तीन लोगों को मार गिराया। पुलिस ने दावा किया कि मारे गए लोगों में से एक धनंजय सिंह भी शामिल है। एनकाउंटर को लेकर पुलिस ने सबको बताया था कि धनंजय सिंह मारा जा चुका है। ये वही धनंजय सिंह था जिसकी पहचान पूर्वांचल में जौनपुर के बाहुबली के तौर पर की गई थी, लेकिन समय के साथ धनंजय के एनकाउंटर का दावा झूठा निकला। मगर फेक एनकाउंटर की वजह से 34 पुलिस वालों पर कार्रवाई जरूर हो गई। धनंजय सिंह पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अजीत सिंह की हत्या में शामिल होने का आरोप लगा। गैर जमानती वारंट जारी हुआ, इनाम भी घोषित हुआ, मगर उनके सरेंडर के बाद एसटीएफ ने धाराएं बदली और फिर जेडीयू ने उन्हें मलहनी से टिकट दे दिया। नामांकन के वक्त दिए गए शपथ पत्र में भी धनंजय सिंह ने बताया है कि उनके पास राइस मिल और पेट्रोल पंप हैं, उनके पास
8 लाख रुपए तो पत्नी श्रीकला रेड्डी के पास 2 लाख रुपए कैश हैं। एक फॉर्च्यूनर, टैंकर, बलेनो और होंडा सिटी कार है, जबकि पत्नी के पास निशान सनी कार है जिसकी कीमत 11 लाख रुपए है। उनके पास 68,66,495 गहने हैं और उनकी पत्नी के पास 1,74,00,000 के गहने हैं। इस तरह उनके पास कुल चल संपत्ति 3,56,62,562 और पत्नी के पास 6,71,46,420 की संपत्ति है। धनंजय सिंह की दास्तान आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।